एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मैं बेस मेकअप कैसे करती हूँ आई मेकअप करने से पहले। सो अगर आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर देन कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मैं यहाँ पे ट्वीजर से जो भी एक्सेस हेयर है, जो भी हेयर ग्रोथ हुआ है उसको मैं रिमूव कर रही हूँ। इसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ अपने पूरे फेस पे एंड देन इसके बाद मैं आईब्रोज को फिल इन करती हूँ। सो आईब्रोज फिल इन करने के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मोस्टली ABH ब्राउ पोमेड होता है, बट आज मैं अप्लाई कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्राउ किट। दिस इज ऑल्सो नाइस प्रोडक्ट, बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक एंगल ब्रश के हेल्प से मैं ब्राउज को फिल इन कर लूंगी। मैं फ्रंट सेक्शन में एकदम लास्ट में थोड़ा सा प्रोडक्ट के साथ फिल इन करती हूँ। नेक्स्ट पूली के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी आईब्रोज को। यहाँ पे कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन फिट मी कंसीलर एंड ब्रश के लिए मैं यूज कर रही हूँ प्रो आर्ट का कंसीलर ब्रश। दिस इज अ नाइस कंसीलर ब्रश। इसका अब से मैं सबसे पहले अच्छे से मार्क कर लूंगी आईब्रोज के नीचे में, क्लीन कर लूंगी एंड देन पूरे आईलिड पे कंसीलर भी अप्लाई करूंगी। सो ये बहुत थिन होने के वजह से इस ब्रश से आप बहुत प्रिसाइजली कंसीलर अप्लाई कर सकते हो ब्राउज के नीचे। नेक्स्ट मैं आईलिड पे भी कंसीलर अप्लाई करूंगी एंड देन अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी कंसीलर को सेम कंसीलर ब्रश के हेल्प से। सो मेरे सेकंड चैनल न्यू वीडियो अपलोड हो चुका है, बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो डालती हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा क्लोजली मुझे जान पाओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो चेकआउट। एंड इसके बाद मैं एक डैम स्पंज लूंगी और उसके हेल्प से मैं कंसीलर को भी अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, अदरवाइज आपका कंसीलर बहुत ज्यादा केकी लग सकता है और साथ में क्रीजिंग भी ज्यादा होगा अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे। तो सेम कंसीलर को ब्राउज के ऊपर में भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि क्लीन लुक मिले, अच्छा सा ब्राउज का शेप मिले। उसके बाद मैं कंसीलर को सेट कर लूंगी विथ मेबलिन फिट मी लूज पाउडर। सो ये भी इम्पोर्टेंट स्टेप है, अदरवाइज आप देख सकते हो ऑलरेडी क्रीजिंग होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही हम लोग आग बंद करते हैं तो वो क्रीजिंग होना शुरू होता है, सो दैट्स वाई थोड़ा सा सेट करना जरूरी है। नेक्स्ट मैं आईब्रो बोन को हाईलाइट करूंगी विद फेवरेट हाईलाइटर फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। दिस इज मेगा ग्लो हाईलाइटर इन द शेड प्रीशियस पेटल। आई लव दिस हाईलाइटर। एंड ब्रश के लिए मैंने यूज किया है कलर वार का स्मजिंग ब्रश। दिस इज ऑल्सो नाइस ब्रश। इसके बाद जो भी ब्राउज के ऊपर हाईलाइटर हो गया था उसको मैं क्लीन कर लूंगी एंड दिस इज द फाइनल लुक गाइज।